अंबेडकर जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, 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 नहीं जाएगा बंद है वो पानी जा में पानी नहीं जाओ जाओ आईफोन है ये बोध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर बोध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा टीएमपी पार्टी जिंदाबाद 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 धरती मानवतावादी पार्टी जिंदाबाद 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 अम्बेडकर एवं ज्योतिबा फुले को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और आज ये धरती मानवतावादी पार्टी है उसका अन्याय अत्याचार और जो सूत्रों पर मुकदमे लाए जा रहे हैं उसके विरोध में आज जो कार्रवाई है ज्ञापन की कार्रवाई है उस करने की शुरुआत करते हैं तो ज्ञापन कार्रवाई करने के लिए मैं सबसे पहले आज हमारे माननीय मेरे विजय सिंह बस निवेदन करता हूं कि ज्ञापन कार्रवाई पर आज जो बिंदु है उस पर अपनी बात रखे माननीय विजय सिंह को साथियों हम धरती मानवता पार्टी के द्वारा मानवों के प्रति भारत की या मध्य प्रदेश की सरकार जो अन्याय कर रही है उसके विरोध में ये आंदोलन चला रहे हैं। हमारे आंदोलन का गरीब मजदूर किसान व्यापारी सभी के लिए इसमें भावनाएं प्रकाशित करते हुए शासन को ज्ञापन सौंपते हैं प्रत्येक मंगलवार को और इस ज्ञापन के माध्यम से शहर के किसी भी प्रकार की समस्या है उस समस्या को शासन के जो ध्यान में लाने के लिए गरीब लोगों के उत्थान के लिए शासन को याद दिलाने के लिए ये बात हम लोग उजागर करते हैं। आपसे इसके काम के लिए सहयोग मांगते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के संगठित होकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। बंधुओं ये हमारे महापुरुषों का कारवा है इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए भारतवर्ष में हमारे महापुरुषों के कारवा को खत्म करने के लिए जो सरकार आ गई है आपकी गलती से या हमारी गलती से उसको सबक सिखाने के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा क्योंकि ये भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था तो इस देश में जो लुटेरे आए हैं उनकी आदत है लूटने की और बेचने की। तो आज भारत में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि भारतवर्ष की अमूल्य चीजों को धीरे धीरे करके गरीबों से छिना करके उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। बड़े बड़े उद्योग आपको याद होगा 90 में देसी मील को खत्म कर दिया गया बेच दिया गया टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया गया सन 90 1990 की बात बता रहा हूं।
उसके 30,000 मजदूर बेरोजगार हुए, ग्वालियर की दशा बिगड़ी और धीरे धीरे करके वो अपने स्तर होते चले आए। तो आज जो सरकार आ गई है वो पहली सरकार ने किया था कांग्रेस की ने, आज बीजेपी की सरकार उससे बड़े आतंक मचा रही है। हमारे बड़े बड़े जमीनें जो रोड के किनारे बाईपास के किनारे अच्छी जमीनें हैं वो उद्योगपतियों को बिल्डरों को बेच करके और नेताओं के नाम करके गरीबों को हटा करके अपनी कॉलोनियों का मल्टियों का निर्माण करा करके बेच रहे हैं। तो इस सरकार का हम लोग विरोध करते हैं।